के गुरु तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर करण कारण कादर महाराज ने श्री पटना साहब एक सिख नू भेजा, सिख नू भाई साहबजादे नू पंजाब लाया। पंजाब नू आउण दीआं तैयारियां शुरू हो गई। श्री पटना साहब दे नर नारियां ने बड़ा रुदन किया। कदे ओ वेला पढ़ो कदे पुस्तकां अपनियां च इतिहास अपने च, ते ओ फिर वरके पढ़े नहीं जांदे, अखां विचों बदोबदी नीर चल जांदा। राह विच लोकां अखां विछा दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह साहब दे, भाई महाराज पटने विचों असां जान नहीं देना, असीं तो हथों बिना की करांगे। माता जी ने धीरज दित्ती, माता नानकी ने धीरज दित्ती, मामा कृपाल चंद ने धीरज दित्ती, सब नू समझाया बुझाया भाई ये नवे पातशाह दा हुक्म है, सानू जाना ही पैना। माता गुजरी ते माता नानकी ने बह के मता पकाया भाई तीर्थां दे रस्ते पंजाब नू जाया जाए, जिदा मतलब तीर्थ परसने नहीं सन, मतलब ये सी भी साधुआं संतां दे दर्शन हुंदे जाणगे, ते नाले तीर्थां नू जाण वाले संगी मिल के काफला वड्डा होके चोर चकार दा डर ना रहेगा। बनारस गए, इलाहाबाद जिन्हों प्रयागराज कहिंदे ने उत्थे गए, मथुरा वृंदावन गए। ये काफला चलदा 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 जिला अंबाला विच पिंड लखनौर पहुंचा। अजे लखनौर इको रात कटी सी, ते तेग बहादुर साहब सचे पातशाह दा दूसरा सुनेहा आ गया कि जिन्ना चिर साडा तीसरा सुनेहा ना आवे उन्ना चिर लखनौर विचों श्री आनंदपुर साहब ना आया जाए। लखनौर उन्ना चिर अटको जिन्ना चिर साडा हुक्म नहीं आउंदा। मामा कृपाल चंद भी, माता नानकी भी, माता गुजरी भी बड़े सोचां विच पै गए भाई गल की, पर साहब बड़ी जल्दी अपनी बेपरवाही दे आलम विच आ गए। ते मात गुजरी जी नूं कहण लगे भाई अटकना ते मां जी पैणा, क्योंकि पिता जी दा जो हुक्म होया। पर वो जिहड़े मेरे हमडोली सन पटने लड़के बालक खेल कूद वाले, वो है नहीं लखनौर विच, सानू जानदा कोई नहीं। तो कहिंदे ने साहबां ने अपने संगी साथी बनाउणे शुरू कीते। हजूर दा प्रभावशाली चेहरा, नेत्रां विच खास किस्म दी कशिश। फकीर आरफदीन ने जदों साहबां दा दर्शन कीता ना, जिस वेले उन्ने सरकार दे चेहरे वल वेख्या तमाम सुध बुध उहनूं भुल गई। इदां हजूर दे चेहरे विच प्रभाव कशिश और खिच दा मादा सी। संगी साथी कुछ लभ पए, खेड कूद उस तरह शुरू हो गई। लखनौर दिया लोकां ने साहबजादे दा उन्ना आदर ना कीता जिन्ना का आदर करना चाहिदा सी। दिन बीतदे गए, मेरे इतिहास विच जिक्र आउंदा पे एक रात अद्धी अगे बीत गई हुई, अद्धी अजे बाकी रहिंदी है, ते एक गरीबड़े लोकां दा घर, कंगाल लोकां दा घर, अरंक
गुरबत दे मारे हुए अफलास दे सताए हुए लोकां दा घर जिन्हां नूं कदे कदे चुल्हा तपिया होया नजर आउंदा, जिहड़े कदे कदे ढिड भर के रोटी खांदे ने, एडी गरीबी दे मालक। उस घर विचों एक बुढ़ी जिही जनानी ने जोर नाल चीख मार के चिल्ला के जिथों जिथों तक ओदी आवाज गई सुनन वाले भी कंब गए, ते उन्हें अपने पुत नूं आवाज मारी, वे पुत रामनाथा, वे रामनाथा, मेरियां रगां खुश्क हुंदियां जा रहियां ने, मेरे नेत्रां दे अगे धुंद जिही छौंदी जा रही है, वे पुत रामनाथा मैनूं पानी पिला। रामनाथ बड़ी तेजी नाल उठिया, मां दे कोल गया, मां नूं जरा क दबाया, मुठ्ठी चापी कीती, पानी लियांदा, ते मां ने अगां हथ वधा के पानी वाला बर्तन पकड़ना चाहिया, पर इहदी कलाई कंब गई, उंगलियां इहदियां अंदर नूं खिचियां गईयां, ते इहने अपने पुत नूं आख्या, काका मेरिया हथां दियां उंगलियां विच पानी वाला बर्तन पकड़न वाली सत्ता नहीं रही। इउं प्रतीत हुंदा इस काया दी मड़ोली विचों इस काया दा मालक उदास होके चले जाण वाला। मेरे विद्यादाता दे चेले श्रीमान संत गुरदित सिंह साहिब, उन्हां दी तबीयत विच बड़ी रवानी सी, उन्हां ने एक बचन लिखिया है, अरे तू परमादी जीव, जीव परम आदि है क्योंकि राम की अंश है ना, अरे तू परमादी जीव, मन को गुमान तज, अरे तू परमादी जीव, मन को गुमान तज, कछु ना भरोसा इस बुलबुले गात का। गात मैंने वजूद, ये जड़ा वजूद है काया, ये तो बुलबुला है, बुलबुले का की भरोसा होंदा, कई बार बुलबुला पानी च बनदा, कई बार भजदा, कई बार बनदा, कई बार भजदा, ये काया तो बुलबुला है। अरे तू परमादी जीव, मन को गुमान तज, कछु ना भरोसा इस बुलबुले गात का, भई काहे फेट बांधी नित अग ओग संचन को। पापा उते लक क्यों बदा होया, दिने रात पाप ही पाप कमाई जाना, दिने रात बदियां ही बदियां कमाई जाना, कदे भले पासे तेरा मन चुकया ही नहीं, नुक्ता चीन तू, सड़ियां होइयां गल्लां करन वाला तू, लिबास तेरा अजड़ा, गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया, ना फाई सुरत मलूकी वेस, जड़ा तेरा वेस या वेस, ए ते मलूक, मलूक मैंने मलक, मलक मैंने बादशाह, बादशाह भी आंदे ना तप करके बनदे ने, दूसरा लिया मलक, मलक मलायक, मलायक फरिश्ते, सबर तोसा मलायका, जो फरिश्ता तबीयत इंसान है उन्हें दा तोसा मैंने खाना है सबर, तेरा लिबास ते फरिश्तियां वर्गा, शकल ते तेरी फरिश्तियां वर्गी है, वेखण नूं ते तू बड़ा चंगा बंदा जापना, फाई सुरत, पर तेरी जड़ी सुरती है ना वो उस फाई विच है जड़ी लोकां नूं फसाउण वास्ते लाई हुई है, ख्याल तेरा उत्थे है जड़ी फाई तू लोकां नूं अपने फंदे विच गिरफ्तार करन वास्ते विछाई हुई है। फाई सुरत मलूकी वेस, हाँ ठगवाड़ा ठगी देश, मैं ठगी दा वाड़ा मैंने कर हां, ते मैं सारे देश नूं ही ठग लिया। मेरे जिले विच एक उमरसीर साहब सन, बड़ा चंगा परवां दाड़ा, कद बुत बड़ा सोहना, ते ओह ऐलानिया कहिंदा हुंदा सी, ऐलानिया भाई मैं सारा दिन झूठ बोलता रहा, कोई माई दा लाल समझ नहीं सकता भाई टहल सिंह सच बोलता कि झूठ, एडा फबा के झूठ बोलना, एडा फबा के पता लगन देना ही ना भी सच बोलना कि झूठ बोलना,
इनू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच लिखिया मुख झूठ बिभूखण, मुंह झूठ बोलना पर प्रभुखण मैंने गहणिया वांगू फबा के गहने पाए होने बड़े चंगे लगते हैं ना, गहणिया वर्गा फबवा टुकवा झूठ बोलना जिवें गहने पाए होने काया होर दी होर हो जाती है। तेरा झूठ सुन के फरिश्ते भी दहल जाते हैं, बाई बाई में एडा सच्चा। काहे फेट बांधी नित अग ओग संचन को, अरे जीवन अल्पकाल जैसे कंज पात का। तू पापा उते लक बन लिया ते जीवन जड़ा तेरा जिंदगी अल्पकाल मैंने थोड़ा जा चिर है, किन्ना के चिर जैसे कंज पात का। जिस तरह कमल फूल दे पत्ते उते पानी दा कतरा बेसबर है, इसे तरह संसार दे उते तेरी जिंदगी बेसबर है। जितनों जराक पानी दा पबन दा पता नीवा, कमल दा पता नीवा हो गया, उधर पानी रिड़ गया। तेरी जिंदगी पता नहीं केड़े वेले रिड़ जानी, केड़े वेले प्राण अंत हो जाने। काहे फेट बांधी नित अग ओग संचन को, जीवन अल्पकाल जैसे कंज पात कहा। को न सहाय तेरी करे पर लोक बीच, झूठा है प्यार सब भ्रात तात मात का। कहत पयूख भज नाम परमेश्वर को, भाई जगत सराय बीच बासा एक रात का। ये तो मुसाफिर खाना है, ये दुनिया तो एक सरा है जिदे विच असी रात कटन आए। जिंदगी दी रात बीत गई, असा इथों उठ जाना, आलना खाली रह जाना। क्यों एवें पाप करने वास्ते तैयार बर तैयार हो गया, क्यों नहीं नेकी वाले पासे झुकदा, क्यों नहीं नाम जपदा, क्यों नहीं असली कम नू तू अपनाउंदा। साहब सच्चा पातशाह नाम बाणी दा उपदेश करदे ने, वड्डा उच्चा उपदेश। असी ते रह गए कुकर्मा विच, इस पासे झुके ही ना। जिंदगी ते बड़ी ना पायदार सी, आ वेख दे ओ जिंदगी, पानी वाला बर्तन पकड़ के मुंह नू नहीं लाया जा सकदा। मां ने निराशा होकर जवाब दिता, राम नाथा आस उम्मीद कोई नहीं रही, इस दुनिया विचों कूच करन दा टाइम नेड़े आ ही गया। मां बेटा गल्लां कर रहे सन, मां ने आख्या पुत मैनू अपने मर जाण दी ते कोई चिंता नहीं, जाना ही आ, पर मेरे सिर दा सुहाग, मेरी जिंदगी दा साथी, मेरे सिर दा छतर, जवानी दे दिनां विच दुनिया दे जंगल विच मैनू कली छड़ के आप मुल्के अदम दा राही बन गया, मेरे नालों सदा वास्ते साथ तोड़ गया। उस मरण वाले दी तू इको एक निशानी है मेरे कोल, मैनू चिंता ये है बच्चू मेरे प्राण निकल जाण दे बाद पता नहीं तैनू किहो जी संगत मिल जाए, पता नहीं किहो जे सच्चे विच ढल जाए, पता नहीं किहो जे जीवन अपना लए, अपने प्यो दी पग नू दाग ला दे, मां दी कुख नू कलंक ला दे, खानदान वास्ते कोड़ बन जाए। बच्चा मैनू ये बड़ी चिंता है, होर प्राण तो त्यागना ही है, जहान तो छड़ना ही है। दिन ते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात। जड़ा सूरज चढ़िया इन्हें डुबना, जड़ा डुबिया इन्हें चढ़ना, जड़ा जमया इन्हें मरना, जड़ा मोया जे ओदे कर्म अजे नहीं मुके ते उन्हें जमना भी है मुड़के। ये चक्कर उन्ना चिर बनिया ही रहना जिन्ना चिर सिमरन नहीं करदा। काका जमना मरना तो है ही है, मैनू तेरी बड़ी चिंता, मैनू तेरा बड़ा गम है, भाई तू पिछे कुड़ वास्ते कितने कलंक ना बन जाए। अद्धी तुक मैं जान बुझ के छड़ देन लगा, जिहड़ा हुण मैं शब्द पढ़न लगा, अद्धी लगा पढ़न। पहला ऐसा मैं दीदा दा निश्ता लगा छड़न, अगला ऐसा लगा पढ़न। भाई पुत सपुत हो गए सुखदाई, जिस वेले दानी सियाणी पढ़ी लिखी हुई मां ने अपनी हालत नू अकल दी तकड़ी उते रख के तोलिया, अपने आप दा ज्ञान होया,
ते अपने आपनी अपनी हालत नू अनुभव करके दानी मां ने रब कोल प्रार्थना शुरू कीती, पहे वाहेगुरु जे मेरे ते कृपा करन लगा, जे मेरे पति दा नाम संसार विच कायम रखन वास्ते मेरी गोद हरी करन लगा, हे मालक जे मेरे उते तरस खा के मेरे ते त्रुटन लगा, ते मैं तेरे को प्रार्थना करनी है भाई पुत सपुत होवे सुखदाई, मैनू सपुत्र पुत्र बख्शी, मैनू लायक पुत्र बख्शी, जड़ा खानदान वास्ते, गली गुआंढ वास्ते, पिंड वास्ते, जिले वास्ते, देश और कौम वास्ते सुखदाई होवे सुखदाई, जड़ा संसार दे उते तांग पा दे नेकियां दी परोपकार दी देश सेवा दी, कोई ऐसा पुत्र बख्शी, पुत सपुत होवे सुखदाई। ते जे मैनू पुत्र मनमुख देना ही कुलच्छना आप हुदरा निगुरा, ते फिर मैं हे वाहेगुरु बेनती करनी आ पुतो थी चंगेरड़ी, बदचलन पुत्र नालो, खोटे और नलायक पुत्र नालो, नित नवे सूरज नवे नवे अड़ामे लेवन वाले पुत नालो मेरे घर ती जम पे मैनू वो चंगी, पर घर जाए वसाए न आई। जे मेरी ती पराए घर गई हुई यानी सौरे घर गई हुई, जे कुड़म भैड़े मिल जान मेरी ती नू डोलियों कढ़ के डोली खाली भेज देन, ओ जाने मैं इस सदमे नू चल जांगी, पर यह तो मैनू यकीन होगा ना भाई मेरी कुख दी जाई हुई ने एक घर वसा दिता, एक खानदान आबाद कर दिता, यह तो मैनू माण होगा ना, पर घर जाए वसाए न आई। ते धीओ सप सकार था, जे धी भी बेलछणी देनी हो, जे धी भी चाल चलन तो गिरी हुई नलायक समाज का कोड़, ऐसी धी जे मैनू देनी हो ते मैं फिर प्रार्थना करनी आ धीओ सप सकार था, जाओ जनेंदी जन जन खाई, बेलछणी धी नालों मेरे घर सपनी जम पे, मैनू वो परवान है, सपनी सौ आंडा देंदी है, जिदन बच्चे कढ़ने होन चार फिर कुंडल पा लेंदी है, जड़ा आंडा भनदी है बच्चा कढ़दी है खा लेंदी है, जड़ा आंडा भनदी है बच्चा कढ़दी है खा लेंदी है, मैनू सपनी दे दई सौ आंडा देगी, बच्चे कढ़ेगी खा लेगी, एक ते आप रज जाएगी ते एक बेईमाना दी कोल ना वधेगी, एक डंग मारन वाले दी कोल ना वधेगी, मैनू बेलछणी धी नालों सपनी चंगी, धीओं सप सकार था, जाओ जने दी जन जन खाई, मां डायण धन धन है, मैं दुनिया दे तख्ते उते डायण मां नू पत्थर मार दे लोक वेखे, गाला कढ़ दे लोक वेखे, एक मैं भाई गुरदास वेख्या जिहड़ा डायण मां दे सोले गाउंदा, कहिंदा मां डायण धन धन है, ओ डायण मां धनता दे योग है, जेड़ी कपटी पुत्ते खाए अगाई, जेड़ी मनमुख निगुरा आप हुदरा नलायक पुत उहदा कलेजा कढ के जेड़ी डायण मां खा ले, ओ मां तानिया, नाले मां रज गई नाले बेईमान मुक गया, नाले मां दा ढिड भर गया नाले एक बेईमान दा खात्मा हो गया, मां डायण धन धन है, कपटी पुत्ते खाए अगाई, ते बामण गाई खाए सप, सप एडा बेले आ जाए बामण नू भी लड़ जांदा, हालांकि बामण जगत का गुरु है, ये गाय नू भी लड़ जांदा हालांकि गाय नू लोकी मां आंदे ने, ये एडा बेले आ जाए जिन्नू मां आंदे ने उस गाय नू भी लड़ जांदा, जिहड़ा जगत का गुरु मन्निया बामण उहनू भी लड़ जांदा। देखो जी बेले आज ते भावे बड़ा लड़ते भावे गाय नू भी जांदा, लड़ते भावे बामण नू भी जांदा, पर फल गुरमंत पवाए पढ़ाई, अपने गुरु दे मंत्र नू मन के, सपेरे दे मंत्र नू मन के, गारड़ू दे मंत्र नू मन के किलिया जांदा ते पटारी च पै जांदा, फल गुरमंत पवाए पढ़ाई, सप दे गुरु दा मंत्र मन लैंदा,
सप दे गुरु दे मंत्र नाल की लिया जा सकता, सप दे जहर गवा के पटारी च पै जांदा मंत्र दा की लिया होया। लेकिन निगुरे तुल ना होर को सिरजनहारे सृष्टि उपाई, जिन्नी सृष्टि सिरजनहार ने पैदा कीती है इहदे विच निगुरे वर्गा बुरा कोई नहीं, निगुरे वर्गा पैड़ा कोई नहीं, निगुरे वर्गा हत्यारा कोई नहीं। इनू क्यों हत्यारा गिणिया? निगुरे तुल ना होर को सिरजन हारे सृष्टि उपाई, माता पिता न गुर शरण आई। जड़ा मनमुख आप हुदरा निगुरा, वो ना मां दा कहना मन्ने, ना प्यो दा कहना मन्ने, ना साधु संत दा कहना मन्ने, ना गुरु दा कहना मन्ने। अपने आप नू चतर बनावे, किसे नाल कोई गल करे, किसे नाल कोई गल करे, पार्टियां बनाउण ते तुल जाए, झूठ बोलदा रहे, दगा फरेब तोलदा रहे। मेरा भाई गुरदास सिख पंथ दा सियाणा विद्वान मन्निया परमन्निया, वो ये गल कहिंदा भई गुर शरणाई माता पिता ना गुर शरणाई, माता पिता ना गुर शरणाई, ना गुर शरणाई, माता पिता ना गुर शरणाई, माता पिता ना गुर शरणाई, माता पिता। पुत्रा किते एहो जी संगत ना तेनू मिल जाए, किते एदां दा बिलछणा ना बन जाए, किते समाज दा कलंक ना बन जाए। रोज साडे खानदान नूं लाणतां पईआं पैण, काका मैनूं चिंता ए सता रही है, होर मैं ते जहान हुण छड्डणा ही। गल्लां करदिआं करदिआं मां पुत नूं जिहड़ी रात रहिंदी सी बीत गई, दिन चढ़ गया ते मात गुजरी ने साहबजादे नूं इशनान करवाया, जिगा कलगी तोड़ा लाया, कमर कसा कीता, पिछे तीरां वाला पत्था निकी जी कमान कंधे उत्ते लटकाई, ते बाहर संगी साथी जड़े लखनौर च बनाए सी ओ उड़ीक रहे ने, सरकार बाहर आउण नूं तैयार। ते निकलदिआं सार श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब छोटी जी उम्र जा रहे ने श्री पटना साहब तो श्री आनंदपुर साहब नूं, रस्ते च पड़ा है, निकले बाहर किसे संगी साथी वल नजर नहीं पाई, मामे कृपाल चंद की परवाह नहीं की, होर किसे दी ज्यों तुरे ज्यों तुरे ज्यों तुरे ज्यों तुरे रामनाथ दे घर चले गए। ते जाके दरवाजे च खलो के आवाज मारी, ओ रामनाथा, भाई रामनाथा, भाई सारे संगी साथी आ गए ने, चलो खेडन चलिए, सरकार दी खेड उन्हां आवारा बच्चियां वर्गी खेड नहीं जड़े सिर विच मिट्टियां पा के गालियां दे के घर नूं आउंदे ने। इस खेड दे अंदर ते ओ राज पिनहा ने, ओ राज मखफी ने, ओ चीज़ां लुकियां होईयां ने जिहड़ियां देवी देवतियां नूं हथ नहीं आउंदियां, चले ते अज वी खेडण ही ने ना। ते आवाज़ां रामनाथ नूं पै रहियां ने, रामनाथा आ जा भाई, सारा जथा तैयार हो गया ई, सिर्फ तेरी कसर है, तैनू उड़ीक रहे हैं, आ भाई चलिए। रामनाथ बाहर नहीं आया, अंदरों जवाब दिता, साहब मैं मजबूर हाँ, ते गरीब नूं अज सहजे सहजे ठुमक ठुमक चाल चलदे चलदे अंदर वेड़े च चले गए। रामनाथा की आख्या, मजबूर हाँ। जिस वेले वेड़े च पाए चरण, मां दी गई नजर निके जे बालके वल, ते वेखदे सार मां दियां अखां फरेफता हो गई। आ जड़ा गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया, ना पई नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई,
जिस वेले नेत्रां नाल साहिबजादे दे दर्शन कीते अलौकिक जिहा रूप नजर आया, कहण लगी पुत रामनाथा जा छेदी नाल जा, पता नहीं है साडे वेड़े विच की आ गया, इहनू मेरे कोल लाया। रामनाथ आया, महाराज मैं नहीं खेडण जाना, मैं मजबूर हाँ। रामनाथा क्यों? महाराज मेरी मां बीमार है, प्राण अंत उत्ते आए हुए ने, पानी अंदर नहीं लंघदा, अद्धी रात तो अड्डियां रगड़ रही है, उदों दा ही पानी दा बर्तन भर के रखिया होया, साहब उहदियां उंगलियां विच हिम्मत नहीं बर्तन पकड़ के मूँह नूं ला सके, ते इस वसदे रस्ते संसार विच मेरा सहारा इको मां ही मां है, मेरा कोई अंग साख नहीं, मेरा कोई निकटवर्ती नहीं, मेरा कोई हक हमसाया नहीं, इहो मां ही मां है जिहड़ी मैनू पुत्ता आख के अपना कलेजा ठार लैंदी है, ते मैं मां आख के अपना सीना ठंडा कर लैना, यह मैनू गलवकरी विच लै के प्यार दे के अपना थकेवा ला लैंदी है, ते मैं इहदे सीने नाल चिपट के स्वर्ग विच अपने आप नू महसूस करदा हाँ। महाराज मैं नहीं अज खेडण जावांगा, मेरा संसार उजड़ चलिया है, मेरी वस्ती रस्ती दुनिया बर्बाद हो चली है, मेरा घर मातम खाना बनिया होया होवेगा। महाराज जदों मेरे घर विच मातम होण दीआं तैयारियां ने, मैनू खेड कूद किवें चंगी लगे, मैं किस तरह तुहाडे नाल जावां। ते साहब बचन करदे 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 बीमार बुढ़िया दे मंजे दे कोल चले गए, जांदिया सार मंजे लागे खलो के ते आवाज मारी, आवाज कहण लगे माता सीता की गल है, मर चली है? जिस वेले सरकार दी जबानों निकलिया ना माता सीता मर चली है, ते सीता ने फिर नेत्र खोले अपनी वालों तो ने अंतवारी दे नेत्र खोले, ते नेत्र खोल के इस बालके जय वाल वेख के उन्हें आख्या हां प्रभु सीता दुनिया विचों तैयार है, सीता दुनिया छड़न वाली है, ते गरीब नवाज अलबेला बापू जोत रूप बापू आप नारायण कलाधार जग में परवरेओ बापू अकाल का बेटा मंजी उत्ते बह के कहण लगे मां अजे ते तू किन्ना ही चिर संसार विच रहना, मां तेनू जीवन दान देण वाली परमल वस्तु साडे कोल मौजूद है, वो दुनिया दे उजड़े हुए खाने वसा देंदी है, मां सीता भाई जे तू जिंदगी चाहनी है ना ते अपनी रसना नाल किसे ना किसे तरह एक बार आख सतनाम वाहेगुरु, साहब सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु दा जाप जपन लग पे, पांच चार मिनट जाप जप के ते रामनाथ नू पकड़ लिया बाहर, ते कहन लगे आजा चलिए सारे यार दोस्त कटे ने चल के खेड मचाइए, फौजा बनाइए, लड़ाई लड़नी सीखिए, तेरी मां चंगी पली तंदुरुस्त ने तेरे आउंदे नू सारा काम आप कर लेना, ऐवें डे अधीर होण डे मां मर चली मां। बदो बदी सरकार रामनाथ नू खिच के ढाणियां विच लै गए, जिस वेले ए चले गए घरों सीता नू इक आई अंगड़ाई, ते इन्ने अंगड़ाई जी लैके इउं अनुभव कीता ते शायद रोग मेरी काया विचों अंगड़ाई दे रस्ते उड गया, जेड़ी हथ दियां उंगलियां नाल पानी नहीं सी पकड़ सकदी बर्तन, उन्हें चाहिया मैं मंजे तो उठा, जिस वेले उठ के डरदी डरदी ने धरती ते पैर रखे ते इहदियां लत्तां इहदी काया दा भार सह गईआं, ते इहदा जी कीता पे मैं तेज तेज तुर के घड़े कोल जावां, लिहाजा घड़े कोल जाके आप छन्ने च पानी पा के पी के अपने होश आवास कायम करके बोकर लैके एक साल पूरा मंजे उत्ते पई रही, एक साल पिछों ना दारू ना दरमल ना औषधि ना दवाई ना पूरी ना कुश्ता ना कोई जौहर बुहारी हथ विच,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਅਲਬੇਲੀ ਅਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਘੜ ਕੂੜਾ ਥਾਂ ਪਈ ਹੁੰਜੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਆਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੀ ਐਡਾ ਮੁਜਰਬ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਕਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਹੀ ਵੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੁਆਂਢਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੇਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਖੇਡਣ ਉਵੇਂ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਾਂ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਲਖਨੌਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਭਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਲਖਨੌਰ ਤੇ ਗਿਰਦ ਨਵਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਟਾ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਖਨੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਜੀਵਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਬੇਦੁਬੇ ਗਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚਾਰ ਬਾਂਧੋ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੇ ਹਰ ਨਾਲੀ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਮਸਲਨ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੇ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੈਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਚੱਖੜ ਝਾਂਜੇ ਛੱਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭੈਰੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਭੇਦ ਪੈ ਜਾਏ ਤਰੁਟੀ ਪੈ ਜਾਏ ਵਿਘਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਪੈ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਰੋਂ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਅਸਵਾਰੀ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਆ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗਣੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਨੱਕ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਚੂਹਾ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਈ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮ ਪਊ ਬਾਹਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਠ ਤੇ ਜੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਦੇਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਗਧਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਪਦਿਆਂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ, ਦੋਏ ਇਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲ ਫਕਰੋ ਫਕਰਾ ਵਲ ਫਕਰੋ ਮਿਨੀ, ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਨਮੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਆਦਮ ਕੋ ਖੁਦਾ ਮਤ ਕਹੋ, ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨੂਰ ਸੇ ਬੰਦਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਮਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਈ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਲੋਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਖੂੰਡੀ, ਅਤੇ ਤੇੜ ਬੰਨ ਲਈ ਚਾਦਰ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਪਟਕਾ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀਰ ਕੋਈ ਚੂਚਕ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਮੈਨੇ ਆ ਬੁੱਧੀ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੂਚਕ ਮੈਨੇ ਆ ਮਨ, ਅਤੇ ਕੈਦੋ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਹੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਵੇ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਖੁੰਡੀ ਸਿਰ ਪਟਕਾ ਬੱਦਾ ਮੋਢੇ ਧਰ ਲਈ ਲੋਈ ਵੇ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਜੇ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਪ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮੇਲੋ, ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਗ ਮੈਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਲੀ, ਮੈਨੇ ਰਾਲ ਰਵਾਲ ਧੂੜੀ ਖਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਣਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ, ਐਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਂਡ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਆ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਢੜੇ ਬੁੱਢੜਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ